में दिल्ली में मौसम ने करवट ले ली है। कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 25 जून को मॉनसून आने की भविष्यवाणी है। मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान जताया है और बीते दिन भी जैसे दिल्ली में बारिश हुई उसके बाद एक बार फिर आज मौसम वैसा ही बना हुआ है। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस पर और जानकारी के साथ। सुशांत, एग्जैक्टली अभी आप कहाँ पर हैं और दिल्ली का मौसम, इसे लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? हालांकि 25 जून यानी कल का दिन जो है भविष्यवाणी की गई थी मौसम विभाग की तरफ से मॉनसून के लिए। देखिए मीनाक्षी, मैं इस वक्त राजपथ पर मौजूद हूं। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से सुबह से ही दिल्ली और एनसीआर का जो मौसम है अचानक से बदल गया है। दिन के वक्त ही बादल जो है वो छा चुके हैं और चारों तरफ अंधेरा जो है वो हुआ है। इसके अलावा एनसीआर के तमाम इलाके अगर कहा जाए, गुरुग्राम है, गाजियाबाद और नोएडा में भी इस वक्त अगर कहा जाए तो बारिश हो रही है। इसके अलावा मौसम विभाग की लगातार इस पर मीटिंग्स जो है वो चल रही है कि क्या जो 25 तारीख की भविष्यवाणी दिल्ली के अंदर मॉनसून के आने की गई थी, क्या उसको आज डिक्लेयर किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि अभी बारिश दिल्ली के कई इलाकों में अगर कहा जाए साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के अंदर हल्की हल्की बारिश जो है वो हो रही है। हम इस वक्त राजपथ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी हल्की हल्की बारिश जो है वो हो रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से चारों तरफ जो है वो बादल ही बादल जो है वो इस वक्त छाए हुए हैं। मौसम जो पिछले कई दिनों से 42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जो है वो दिल्ली के अंदर दर्ज किया जा रहा था, उससे अब कहीं ना कहीं अगर कहा जाए आज सुबह से ही लोगों को एक बड़ी राहत मौसम जो है तो खुशगवार हो गया है। लेकिन कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने माना है कि बारिश आने से संक्रमण और फैलेगा, ऐसे में अच्छी खबर नहीं है। देखिए जाहिर सी बात है कि अगर बारिश होती है तो उससे संक्रमण बनने के चांसेस भी जो हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि ये पहले भी अगर कहा जाए जब कोरोना का काल शुरू हुआ था मार्च के अंदर, उस दौरान भी कई जगह पर दिल्ली के अंदर कहा जाए तो बारिश हो रही थी। उस वक्त भी डॉक्टर्स की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा था कि अगर बारिश इसी तरीके से होती है तो मौसम में तब्दीली आती है तो दिल्ली में संक्रमण और कहीं भी इलाका अगर कहा जाए जहाँ बारिश हो रही है वहाँ संक्रमण बढ़ने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे में आपके पास हमारे साथ इस वक्त कुमार कुणाल भी मौजूद है। कुमार, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि बीते दिनों लगातार ये चर्चा में था कि जिस हमारे साथ निखिल इस वक्त मौजूद है और जानकारी के साथ। निखिल, जिस बात का जिक्र सुशांत से हमने सवाल पूछा था, देखिए तस्वीर कुछ ऐसी है कि कोरोना संक्रमण दिल्ली में 60,000 प्लस केसेस हो चुके हैं और ऐसे में आने वाले दिनों में डेंगू हो, मलेरिया हो और संक्रमण क्योंकि बारिश के मौसम में और ज्यादा बढ़ता है, इसे लेकर किस तरह की खबरें जो है अभी दिल्ली में चल रही हैं, किस तरह की चर्चाएं प्रशासन के बीच में अभी हैं? देखिए मीनाक्षी, आपने सही जिक्र किया कि जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है और जिस हिसाब से 60,000 से ज़्यादा दिल्ली में खासकर कोरोना वायरस के केसेस हो गए हैं, ऐसे में और भी बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक सवाल इसके साथ एक और बना हुआ है कि जो बारिश दिल्ली के कुछ इलाकों में देखने को मिल रही है वो मानसून है कि नहीं, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुलदीप श्रीवास्तव मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो अभी बारिश शुरू हो गई है, क्या इसको आधिकारिक तौर पर माना जाए कि मानसून की बारिश है या क्या? देखिए, ये हमारे पास फिलहाल तो कह सकते हैं कि मानसून की बारिश है, क्योंकि जो विंड डायरेक्शन है हमारे पास वो पूरी आपके पास 3 किलोमीटर की हाइट तक पूर्वी हवाएं चल रही हैं और साथ साथ सवेरे से हमारे पास जो पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके थे जिनमें मानसून की बारिश नहीं हुई थी हो रही थी हमारे पास। तो दिल्ली में जो रेनफॉल हो रही है वो चूंकि पूर्वी हवाएं भी हमारे पास हैं, साथ साथ जो बारिश हो रही है वो मानसूनी बारिश है। लेकिन देखिए कि चूँकि हमारे पास ये बारिश जो है 8:30 बजे के बाद स्टार्ट हुई है, तो जो मानसून की अनाउंसमेंट हम करेंगे कि कवर हुआ है दिल्ली में वो कल सवेरे ही हम करेंगे, लेकिन फिलहाल जो बारिश हो रही है वो चलिए तो जैसा कि कुलदीप श्रीवास्तव बता रहे थे कि जो बारिश है ये मानसूनी बारिश है, तो कल एक तरीके से आधिकारिक इस चीज का अनाउंसमेंट हो जाएगा।